मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जैन आर के भी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर और नेशन नाउ कहाँ है हमेशा आपके साथ ऑलवेज विद यू। आप सब लोगों को जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भवानी जय शिवाजी वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय हिंद जय हिंद। In Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa. Pradeep ji, please. Amari ako jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. I love the way he says that. At the moment, we have the most brilliant, absolutely wonderful, fabulous director, writer, and of course, actor. Don't forget, he's also been an actor, Anees Bazmi saab. Anees Bazmi saab is hamare saath hain. Anees Bazmi saab, bahut bahut shukriya aapka hamare saath. जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। क्या लग रहे हैं सर, क्या बात है मतलब देखो। मुझे तो ये लग रहा है कि साला फिल्म की शूटिंग से आप आ रहे हैं और कोई और डायरेक्टर दे रहा है। अनलेस यू आर डायरेक्टिंग योरसेल्फ लाइक ऑर्सन वेल्स यू नो राइटर डायरेक्टर एक्टर सिटीजन केन नो ही इज ऑलरेडी वन थ्री इन वन ही इज ऑलरेडी थ्री इन वन ही ऑलरेडी इज वी ऑल नो दैट। तो सर आई मस्ट से दिस बिफोर वी स्टार्ट द शो रियली जी, दिस इज अ कन्फेशन। आपकी जो पिक्चर है ना, एक पिक्चर माशाल्लाह बड़ी पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं है, डायरेक्टर्स को कभी कभी अपनी फिल्में पसंद नहीं आती मुझे मालूम नहीं है। एक पिक्चर आई थी आपकी रेडी जी, इट्स माय फेवरेट मूवी। मतलब कहीं पर भी आ रही होती है ना, मैं जब चैनल सर्व कर रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ रात में, अगर रेडी कहीं भी आ रही होती मैं रुक जाता हूँ वहीं पे, क्योंकि ऐसी पिक्चर मैंने कभी देखी नहीं है। मतलब इट नेवर ग्रोज ओल्ड, दैट इज अ मूवी आई कैन वॉच 150 टाइम्स एंड वॉच इट 100 टाइम्स मोर एंड स्पेशली व्हेन यू आर लो और यू आर इन डिप्रेशन, ये पिक्चर देखो और यू आर आउट ऑफ इट। अरे बाप रे बाप। इट यू नो दिस वाज दिस मूवी रिटन बाय यू, आपने खुद लिखी थी पिक्चर ये कि इट वाज ओनली डायरेक्टेड बाय यू? रेडी वाज co-written by me and other films, Welcome, No Entry, Sing is King. That film I wrote also and I directed also. Diwangi, likhi bhi maine thi, direct bhi maine ki thi. Bilkul. Lekin zabardast. Aur mujhe nahi lagta Salman sahab ne kabhi aisa role uske pehle ya uske baad kiya hoga. Matlab wo theek hai, wo comedy hai, slapstick comedy, ye vagera vagera, situational comedy, you know, first class comic timing, wo to unki hai hi, zabardast hai. Lekin जो रेडी में दिखाया आपने, अरे बाप रे बाप, अभी सोच के मेरे को हंसी आ रही है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, इट वाज सच अ लवली मूवी। और उसमें साथ में जो वो आपने जो फैमिली दिखाई कि किस तरीके से फैमिली में प्यार होता है और किस तरीके से फैमिली में जंग होती है, जबरदस्त। क्या कोई 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 रोल मॉडल था आपका, कोई आपने कोई ऐसी फैमिली देखी थी कि अपने आप ही आया सब? नहीं, मुझे लगा कि ये जो फैमिली है ये मासूम फैमिली होनी चाहिए, भले इनका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा क्राइम से मिलता है, लेकिन अगर आप गौर से फिल्म देखेंगे तो वो जितनी भी कैरेक्टर हैं उनकी जो स्क्रीन एज, जो एक कैरेक्टर की एज है वो 20-22 से ऊपर की समझ और वो नहीं थी। कोई ऐसे डायलॉग नहीं थे जो बहुत ज़्यादा एजेड और समझदार और मैच्योर इंसान बोल सके, तो यही कोशिश थी कि उनमें एक भोलापन एक मासूमियत रहे। तो सारे कैरेक्टर, चाहे वो 60 साल के दादाजी हैं, उनमें भी एक अजीब 20-22-25 साल वाली ही समझ थी। वो तो छोटी वाले बच्चे का भी, वो छोटी वाला बच्चा भी है, वो ही वाज सो ह्यूमरस जी, वो भी छोटी और जो टाइमिंग कॉमेडी वगैरह आपने इतना खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया, इट वाज अमेजिंग। दैट स्मॉल किड वो छोटी लेके और सलमान खान था, और अमेजिंग जबरदस्त। नहीं, वो बहुत प्यारा बच्चा था, वो बहुत ही कमाल एक्टर था एंड उसको बहुत ढूंढा गया था शूटिंग के कुछ 2 महीने पहले, मैंने कहीं देख लिया था उनको, और उनको ना उनका फ़ोन नंबर था ना पता था, तो उनको ढूंढने के लिए बाकायदा एक फौज मैंने लगाई थी कि मुझे यही बच्चा चाहिए फिल्म में। और ये तो जबरदस्त था। और दूसरा जो नाना पाटेकर को जो आपने वो उदय शेट्टी वाला कैरेक्टर डाला, वो तो इटर्नल है, वो कोई भूल ही नहीं सकता। जो नाना जी इज अ ग्रेट एक्टर एंड उन्होंने जो फिल्म में काम किया, तो वो उदय शेट्टी के रोल को जो है वो और उन्होंने 4 चांद लगाए। ही इज अ ग्रेट एक्टर, इतनी खूबसूरत उन्होंने कॉमेडी की है जिसका मुझे बिगिनिंग से विश्वास था, लेकिन जो लोगों ने देखा तो उन्हें पता लगा कि नाना जी जो है वो हर तरह के कैरेक्टर कर सकते हैं। ही इज अ ग्रेट एक्टर। नहीं, उस चीज का वो जो कांदा लेके जाते हैं वो पॉलिटिक्स में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। राज ठाकरे साहब ने बोला नाना पाटेकर जी ये समझो नहीं कि ये कांदा लो लो कांदा ले लो।
अभी वो यानी हर चीज नाना पाटेकर जी को आइडेंटिफाई करने लगा लोग उसमें, उदय शेट्टी कांदा लो जब कमाल का वो कैसे फिल ब्लैस जो इस तरह की चीजें इतने सालों बाद भी अगर एक फिल्म रिलेवेंट रहती है मतलब वो लोगों को बहुत दिलों में समाई है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत है इस फिल्म की, लोग बार बार फिल्म देखते हैं और लोग थकते नहीं हैं क्योंकि हंसना हर इंसान चाहता है और वो जोक जो शायद उन्हें बहुत मरतबा देखा है पता है लेकिन फिर भी दोबारा तिबारा चौबारा वो देखना चाहते हैं क्योंकि लोग हंसना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। तो लेकिन मनीष बामजी साहब, बजमी साहब, एक बड़ी आपसे एक पर्सनल सवाल पूछने जा रहा हूं मैं। जी प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बोलिए सर। देखिए साहब, ऐसा है कि जब आदमी को थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिलती है, छोटी मोटी सक्सेस भी मिल जाती है जी, तो जी। उसके पैर जो है वो जमीन पर नहीं रखते, वो पैर जो है उड़ना शुरू हो जाता है आदमी। अब आपको इतनी ज्यादा सक्सेस मिली है, ऑलमोस्ट 98% और 99% ऑफ योर फिल्म्स हैव बीन सुपर हिट्स। मतलब जी, तो आप अपने पैर जो है जमीन पर कैसे रखते हैं कि आप अभी उड़ते हुए जा रहे हैं या क्या मतलब? सर देखिए, मैं तो जो बिगनिंग में था जब मैं राज कपूर साहब के साथ में सातवां असिस्टेंट था, जब क्लैप दिया करता था, तब से जो लोग मुझे जानते हैं वो आज भी कहते हैं कि अनिस भाई आप में एक ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया है। तो मुझे लगता है जो बदलना होता है वो मौसम बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, वक्त बदल सकता है, लेकिन जो इंसान है वो नहीं बदल सकते। एंड मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ वो ठीक हूँ और मैं हमेशा ये बस शुक्रिया अदा करता रहता हूँ ऊपर वाले का और दुनिया का, जो ये प्यार और जो मोहब्बत मिली है, जो छोटा मोटा नाम कमाया है, तो उसके लिए मैं बहुत ही ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि भाई मुझसे पहले लोगों ने नहीं किया या मुझे इसके बाद कोई करेगा नहीं, तो मुझे बहुत ज़मीन पर ही रहता हूँ और मैं नॉर्मल बिल्कुल तरीके से ही रहना पसंद करता हूँ। और अपने दर्शकों को मैं बता दूँ, ये जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे अनीस बजमी साहब, राज कपूर साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, आई थिंक फिल्म वॉज प्रेम रोग, राइट? प्रेम रोग जी। उसमें डायरेक्टर साहब को बदला गया था, तो राज कपूर पहले हमारे अपने जैनेंद्र जैन साहब थे, उसके बाद राज साहब ने ये जिम्मेदारी ली थी, तो फिर राज कपूर साहब ने खुद ले लिया था। उन्होंने कहा कि यार ये बहुत डार्क हो रही है पिक्चर, बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है। आई रिमेम्बर सीइंग दैट फिल्म। पता नहीं एक जमाना था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि वो वीडियो बसेस चला करती थी। जी हाँ, क्या मुझे याद है, तो मुझे याद है कि ये पिक्चर जो है मैंने एक बार दिल्ली से लेकर मनाली तक कोई चार बार देखी है पिक्चर मैंने एक ही बार, तो मुझे एक एक डायलॉग याद हो गया था उस पिक्चर का। सो व्हेन आई इंटरव्यूड पद्मिनी कोल्हापुरे, वी वर एक्चुअली एबल टू टेल हर एग्जैक्टली व्हाट शी सेड एंड व्हाट हू सेड टू हर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि वो पिक्चर जो है ऐसी घूम रही थी दिमाग में, कहने की याद नहीं। बट द पॉइंट इज, एज फार एज यू आर कंसर्न, हाउ डिड यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट? एक बड़ा कॉन्शियस एफर्ट था आपका कि आप अपना एक नया अलग से डायरेक्टोरियल स्टाइल आप डिवेलप करेंगे, या अपने आप ही हो गया, स्पॉन्टेनियसली हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि हर इंसान का एक अलग मिजाज होता है, उसकी एक अलग परवरिश होती है, वो अलग माहौल में बनता है, वो अलग लोगों से मिलता है, तो सब लोग जो हैं वो डिफरेंट करते हैं। जहाँ तक जॉनर का ताल्लुक है, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ ऑल एंड एवरी जॉनर। मैंने सारी फिल्में करीबन 40-50 फिल्में मैंने लिखी होंगी, सब अलग अलग किस्म की, अलग अलग जॉनर्स की लिखी हैं। मैंने सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बनाई थी, मैंने रोमांटिक बनाई है, लव स्टोरी बनाई है, कॉमेडी बनाई है, सस्पेंस थ्रिलर बनाया है, तो वो एक बच गया था, तो मैंने बोला चलो ये भी मैं कोशिश करता हूँ। और माशाल्लाह लोगों का बहुत प्यार मिला जब मैंने भूल भुलैया 2 बनाई, वो बहुत कामयाब रही। और पैंडमिक के ज़माने में जब लोग थिएटर में नहीं जा रहे थे, उस वक्त लोगों ने इतने कामयाबी दिलाई फिल्म को, इतना प्यार दिया, तो सारी जॉनर की है। और मेरा अपना एक मिजाज है समझने का, मैं कॉमेडी को बहुत ही सीरियस तरीके से करना पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक दैट बफूनरी एंड शॉर्टकट्स कि भाई एक दूसरे के लोग बाल नोच रहे हैं, मार रहे हैं, और या डबल मीनिंग डायलॉग बोल रहे हैं। मैं वो फिल्में बनाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं कंफर्टेबली नहीं हूँ जो फिल्में मैं अपने बेटियों और मेरी बीवी और मेरी बहन के साथ ना देख सकूँ। यू नो, आप जो क्रिएटिव स्पार्क है, क्रिएटिव स्पार्क जो आपके अंदर है, जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जो अलग है, अलग किस्म का है, do you think that you inherited from your father who was a good, very good urdu poet? because jo urdu aur shayari aur poetry mein inka imagination kuch alag hi hota hai, he thinks beyond something, do you think that ye inherit kiya aapne?
नहीं, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। एक्चुअली आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक मेरे वालिद साहब का, जो बहुत बड़े शायर थे, एंड राज कपूर साहब, जिनके यहाँ मैंने बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग्स और बाकी सब ट्रेनिंग ली। तो मेरे जो फादर हैं, वो मैं जब सिक्स्थ या सेवन्थ में था, तब उनकी गज़लें लिखा करता था। उर्दू की राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। और फिर वो उनके जितने दोस्त थे, जो सारे शोरा हैं, उनके साथ मैं बैठा करता था। उनकी मैंने अपने बुज़ुर्गों की बहुत खिदमत की है, कभी किसी के लिए चाय लाना, पान लेना, ये लाना, वो लाना। और मेरा पूरा बचपन इन्हीं शायरों के बीच गुजरा है। तो वो शायरी जो है, मैंने बहुत पहले मेरा रुझान उसमें हो गया था। और मैंने सारे दीवान जब आई वो दिन नाइन्थ और टेंथ में पढ़ चुका था। तो मेरी जब मैं राइटिंग करता हूँ, उसमें भी एक बहर बंदिश होती है, एक तरतीब होती है, और कुछ ऐसी जबान होती है कि वो बहुत आसानी से लोग बोल सकते हैं और याद रहती है। और वो पर्टिकुलर हंसी मुझे किस वर्ड पर चाहिए, कहाँ चाहिए, दैट आई प्लान। ये फिल्म्स में आना किस प्रकार से होगा? व्हाट वाज द मोटिवेशन टू कम इनटू फिल्म्स? यानी यू नो, पोएट्री है आपने की तो था ही, बट फिल्म्स में आना किस प्रकार से मोटिवेशन था? नहीं सर, मेरा कोई मोटिवेशन नहीं था और नहीं मुझे शौक था इस लाइन का, मेरी मजबूरी कह लीजिए आप। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने इस लाइन में एज ए असिस्टेंट, जैसे कहते हैं कैमरा डिपार्टमेंट और आपका साउंड डिपार्टमेंट, एडिटिंग, इसमें छोटे छोटे से काम करने शुरू किए। एक्चुअली कोई सलाह देने वाला, कोई गाइड, कुछ जॉब था ही नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आना ये शुरू हुआ कि मुझे क्या नहीं करना है, और वो सब मैं चीज़ें काम छोड़ता गया। मैं पहले मरतबा बहुत छोटा जब था, कुछ 12 या 13 साल का, शायद 11 साल का, तो मुझे एक मैं जूनियर आर्टिस्ट था, तो मुझे एक फिल्म में मौका मिला और वहीं से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने राज साहब को ज्वाइन किया, देन आई मेड अप माइंड कि नहीं, आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर, एंड फॉर दैट बिकम अ डायरेक्टर। आपने एक्टिंग भी करी सर? जी आपने एक्टिंग भी करी? मुझे जो मजबूरी में मिला, जो मुझे 2 रुपए दे सकता था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी आपका रोल था, एक छोटा। दिलवाले दुल्हनिया का क्यों लोगों को पता, ऐसा नहीं, मैंने दिलवाले दुल्हनिया से मेरा कनेक्शन नहीं था। मैंने नसीब फिल्म में काम किया था, किताब में किया था, और कुछ फिल्मों में काम किया था। नसीब वाला क्या, अमिताभ बच्चन वाला नसीब? जी हाँ, उसमें मैंने शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन का रोल किया था। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये बताएं, ये भूल भुलैया 3 जो है कब आ रही है सर? भूल भुलैया सर ये दिवाली के दिन आ रही है, 1 नवंबर को जी। और एक खूबसूरत फिल्म बनाने की कोशिश की है, देखते हैं कितना प्यार मिलता है लोगों का। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड देख के ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत खुशी मिलनी चाहिए फिल्म को देखकर। तो सर आप ये बताएं, चलिए भूल भुलैया 3 अबाउट टू बी रिलीज वेरी वेरी शॉर्टली, जस्ट आफ्टर दिवाली इन नवंबर, एंड आई एम रीजनेबली सर्टन दैट विल बी अ मॉन्स्टर हिट। इट्स अ हॉरर फिल्म एंड इट विल कैप्चर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ जस्ट अबाउट एवरीबडी। लेकिन अनीस बज़मी साहब ये बताएं, आपने तकरीबन बहुत जितने भी बड़े एक्टर हैं सबके साथ काम किया है जी, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप किसके साथ हैं? जो मुझे लगता है कि मैं सारे लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल था, इसलिए कि मैं बहुत ही ऑनेस्टी से काम करता हूँ। मैंने कभी किसी एक्टर को ऐसा कुछ नहीं सुनाया है कि भाई ये फिल्म मेरी कर ले। मैं बहुत ऑनेस्ट, इसलिए कि मैंने हमेशा मल्टी स्टार कास्ट फिल्में बनाई हैं। अगर मैं बेईमानी से सुनाऊंगा तो मुझे पता है कि बहुत तकलीफें आएंगी, सेट पर सवाल जवाब होंगे। सेट पे मुझे लगता है वो सवाल जवाब बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, डिस्कशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वी शुड इन्जॉय दैट प्रोसेस, एंड एक क्रिएटिव काम होना चाहिए। तो मैं बहुत ईमानदारी से लोगों को अपना काम सुनाता हूँ, तो ये कन्फ्यूजन मेरे होता नहीं है। बाकी एवरीबडी नोज अबाउट मी कि ही इज़ अ सिंपल पर्सन, इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, फिल्म के अंदर डूब जाता है। और मैं बेसिकली लोगों को बहुत प्यार भी करता हूँ, लोगों की बहुत इज्जत भी करता हूँ, तो मुझे लगता है बदले में वो प्यार, वो इज्जत, वो सब मुझे भी देते हैं। क्या बात है साहब, फिल्मी डायलॉग जब चर्चा करते हैं तो राजेश खन्ना का वो डायलॉग, बहु मशाए जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में, तो आप कोई ऐसी चीज, बिकॉज यू आर अ पोएट, आप ऐसे कोई चीज इंप्रेस हुआ, इंस्पायर हुआ, जिंदगी के मोटो बना दिया उसको? मुझे लगता है देखिए, मैं जैसे मुझे तो कोई भी चीज, अभी जैसे गाना है कि किसी की मुस्कुराहट मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ये गाना मेरा मनपसंद गाना है। और मैं इसकी पूरी एक एक वर्ड से, एक एक लाइन से बिलीव करता हूँ, और मैं अपनी जिंदगी उसी तरह जीने की कोशिश भी करता हूँ। क्या बात है साहब, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। राज कपूर एंड द सॉन्ग बोथ टुगेदर और जी राज साहब, मेरा मतलब दुनिया स्टार्ट वहां से हुई थी, और जब तक मैं हूँ वो उनकी यादें, उनका प्यार, उनका वो सिखाया हुआ वो हर चीज मेरे जहन में, वो मेरे उस्ताद हैं। लोग स्कूल से
लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, मैं वहाँ उस यूनिवर्सिटी से निकल रहा हूँ जिनके कहते हैं राज कपूर साहब की यूनिवर्सिटी। कुछ सीखा आपको, क्या सीखा आपने, क्या सीखा राज साहब से? मैंने उनका वो पैशन सीखा कि फिल्म के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना फिल्म में वो डूबते थे मैंने किसी और को उतना डूबते हुए नहीं देखा। वो उनके लिए सोना, चलना, खाना पीना, हर चीज 24 घंटे वो अपनी फिल्म में ही डूबे रहते थे। वही थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीखने की कोशिश की है। आज मैं भी अपना 100 नहीं 200-500% अपनी फिल्मों को देता हूँ। अभी जैसे ये फिल्म जब मैं कर रहा था तो मेरा बहुत एक्सीडेंट हो गया था, मेरा फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मैं व्हीलचेयर पे मैंने आधी फिल्म बनाई, लेकिन मेरी उस तकलीफ से ये नहीं कि मैं फिल्म की शूटिंग रोकूं या आगे कर दूं शूटिंग। सर फ्रैक्चर कैसे हुआ ये भी बता दें, क्या हुआ? सर कलकत्ता में गया हुआ था और वहाँ पर मैं सब लोकेशंस देख रहा था, काफ़ी शहरों में गए हम लोकेशन देख रहे, और कलकत्ता में जो है वो पैर मेरा कुछ मुड़ गया और फ्रैक्चर हो गया और तीन मेरी बोन्स जो है वो टूट गई। तो फिर बॉम्बे आने के बाद मैंने सर्जरी करवाई, इट वाज अ मेजर सर्जरी, एंड डॉक्टर्स ने कहा कि भाई कम से कम 3-4 महीने तो आप बिल्कुल घर से निकल ही नहीं सकते, लेकिन मेरी कुछ ही दिनों में शूटिंग थी एंड सब ने तैयारियाँ इतनी की थी, एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये मज़ा भी नहीं आएगा और मैं अगर घर में रहूँगा तो मैं शायद जल्दी ठीक भी नहीं हो पाऊँ, इसलिए कि मुझे जितनी खुशी सेट पर होती है वो कहीं नहीं होती। तो मैं व्हील चेयर पर बैठ कर मैं चला गया, हालांकि मेरे सारे प्रोड्यूसर एक्टर्स मेरे सब ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़े दिन आराम कर लीजिए, यू आर इन बहुत पेन में है आप, लेकिन मैंने बोला नहीं वो पेन ठीक है लेकिन मैं शूटिंग करूंगा, तो मैं शायद इसलिए जल्दी ठीक भी हो गया। सो डू टेल अस, दिस इज व्हाट आई आस्क्ड, आई डोंट थिंक यू हर्ड मी, राज कपूर साहब के साथ जो पहली मुलाकात हुई वो कब हुई और कैसे हुई, क्या इंप्रेशन था आपका राज कपूर साहब को लेकर? हाँ ये बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से इट इज़ अबाउट 77 or 78 समथिंग लाइक दैट, एंड हमारे जो राइटर थे जैनेंद्र जैन साहब वो मुझे ले गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो खैर वो मुलाकात क्या, उसके बाद और 20-25 मुलाकातें थी जहाँ अब बोलने का मौका, मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस हम देख ही रहे थे क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा बहुत बड़ा सपना था। उसके बाद उनके साथ काम करने का मौका मिल गया तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। कुछ 3-1 साल हम काम साथ में किए और ऐसा लग रहा था कि ये सपना इतना लंबा कैसे हो सकता है जो 3 साल तक चलता रहा। उनके साथ काम करना बिल्कुल ड्रीम था, सपना था, एंड मुझे लगता है कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे जीनियस इंसान के साथ मुझे साथ बैठने का मौका मिला। और राज कपूर साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जिस तरीके से सीन को ब्लॉक किया करते थे, दैट वाज ब्रिलियंट, नोबडी हैज बीन एबल टू डू दैट, दैट्स व्हाट दिस। नहीं वो कोई नहीं कर सकता था मेरे नज़दीक। बहुत अलग अलग किस्म के डायरेक्टर हैं, बहुत खूबसूरत डायरेक्टर हैं, लेकिन राज साहब की जो बात थी वो बिल्कुल ही निराली, बहुत ही अलग थी। यू नो बचपन में फर्स्ट फिल्म आपका शायद नसीब, अमिताभ बच्चन, एंड अमिताभ बच्चन जी तो दैट टाइम ही वाज अ सुपर हीरो, एवरीथिंग यू नो लाइक मिराज, जो जिसको टच करता वो सोना था, इट वाज गोल्ड। No, how was the feeling, you know, Amitabh Bachchan ji ke saath, you know, whatever small role, chota bachche ka role aapne kiya, and how did you, see Amitabh Bachchan ji as an actor, as a person, as a, person from the film industry? बच्चन साहब के मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान होगा जो उनका फैन नहीं रहा होगा, और वो कल भी बहुत कमाल थे, आज भी हैं, और मुझे लगता है कि हमेशा वो जो रहेंगे वो हमेशा ग्रेट ही रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं, उनसे बड़ा कौन मतलब एक्टर हो सकता है। तो वो मैंने मेरा उनके साथ काम नहीं था, लेकिन यही खुशी थी कि मैं उस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ जिसमें बच्चन साहब भी हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद मैं जाके उनसे अब तो मिला भी हूँ जी। जी बोलिए सर बोलिए। आखिरी एक फिल्म में कुछ प्लान कर रहा था और मैंने उनको 2-2.5 घंटे जब कहानी सुनाई, और जब बच्चन साहब ने कहा कि हनी साहब तुम बहुत अच्छा तुमने लिखा है, तो दैट डे आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। माशाल्लाह क्या बात है। और सलमान के बारे में कुछ कहेंगे सर? ही इज माय फेवरेट भाई, जो है वो दिलदार खान है मेरे हिसाब से। वो जो है अपने ज्यादा फैसले अक्सर दिल से ही करते हैं। अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं कि वो इंसान को पसंद करते हैं, एंड उनके साथ 2-3 फिल्में बनाई और बहुत अच्छा तजुर्बा रहा, एंड मैं चाहूंगा कि उनके साथ जितना हो सके ज्यादा काम कर सकूं। ये भी कहा जाता है कि सलमान खान साहब जो है कभी कभी सीन को चेंज कर देते हैं, बोल देते हैं डायरेक्टर को कि यार ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ क्या? मैं आपको बताऊं कि वो खुद जो है एक बहुत बड़े राइटर के बेटे हैं,
सलीम भाई हमारे बहुत बड़े और अजीम राइटर हैं, एंड वो खुद बेटे हैं राइटर के, तो उन्हें राइटरों की अहमियत का अंदाज़ा है। वो उतना ही सजेशन देते हैं कि भाई जो सीन को बेहतर कर सके, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो किसी चीज़ को बुरा मानते हैं। वो एक हीरो हैं, वो चाहते हैं उतनी ही इन्वॉल्वमेंट है जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट है फिल्म में, और वो चाहते हैं कि फिल्म और खूबसूरत हो, और सोचता हुआ दिमाग है उनका, अगर वो कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं, समझते हैं, और मुझे तो लगता है उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अगर अच्छा है तो व्हाई नॉट, आप एक फिल्म बना रहे हैं, जो आपको जहां से भी अच्छा मिलता है, व्हाई ओनली सलमान भाई, एनीबॉडी, जो भी आपको सजेशन मिलते हैं, लास्ट में फिल्म जो है वो लोग देखने वाले हैं, करोड़ों लोग देखने वाले हैं, वो आपको शामिल करना चाहिए फिल्म की। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह साहब, अगेन यू नो बिकॉज़ लोग यही यू नो वांट टू नो अबाउट नाना पाटेकर, उदय शेट्टी वाले, आपने कैसे टेम कर पाया, बिकॉज़ People say in the industry, नाना पाटेकर जी को you know tame करके अपने सीन लाना बहुत मुश्किल चीज है, because very kind of a different person, और एक different role भी है, नाना पाटेकर जी के बहुत सारे रोल थे, this was totally different, opposite, diagonal का everything, खुशी खुशी का रोल है, different नाना पाटेकर, how did you manage that? It requires a lot of effort for that, does it? नहीं सर, नाना जी को tame कोई भी नहीं कर सकता, and नाना जी जो है, according to me, फैंटास्टिक एक्टर और बहुत उतनी अच्छे इंसान है। अगर उन्हें ये पता लग जाए कि भाई ये फिल्म अच्छी बन रही है, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, और सामने जो इंसान है जिसे आप डायरेक्टर कहते हैं, ये इस फिल्म को शायद मुझसे 5% ज़्यादा बेहतर जानता है, तो वो कभी कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। मैंने पूरी फिल्म बनाई है, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा आसान किसी और के साथ काम करना रहा है मेरा, क्योंकि बहुत समझदार एक्टर है, ही नोज कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ही श्योर, अगर ही सेटिस्फाइड एक फिल्म से, तो मुझे लगता है उनके तो वो फिल्म के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। अनीस बज़मी साहब, एक और चीज है जो सबसे पहले शायद आपने करी बॉलीवुड में जी, आज तक कभी सरदारों का, यानी सिखों का, आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली बाय द वे, कि सिखों का माफिया आज तक कभी किसी ने नहीं दिखाया था, वो सिंह इज किंग में सबसे पहली बार आपने दिखाया, और जिस तरीके से दिखाया, मुझे नहीं लगता कि जावेद जाफरी ने कभी ऐसा रोल किया हो पहले या उसके बाद। इट वॉज ब्रिलियंट। वॉज देर अ रोल मॉडल, कोई था जिसको आपने देख करके ये सब किया, या ये कैसे हुआ, जरा बताएं जरा प्लीज। सर मैं पंजाब से बहुत, मतलब मेरा दिली रिश्ता है, मैं बहुत गया हूँ पंजाब में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में, और हर जगह, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सरदार हैं, और जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या ज़बरदस्त लोग हैं, इनका प्यार जताने का तरीका, इनकी मोहब्बत, इनकी खातिर तवाज़ो, इनकी खातिरदारी, ये इतना सब अच्छा लगता था मुझे, तो मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फिल्म बनाना चाहूँगा जो बिल्कुल एक सरदारों पर हो। और जब मैंने ये फिल्म लिखी तो उस वक्त तो खैर कोई ऐसे सरदार का ज़हन में नहीं था, लेकिन जब मैंने बाद में सोचा, एंड मुझे जब मैंने अक्षय जी को कहा कि यार एक बार पगड़ी आप पहनिए, देखिए कैसे लगते हैं, और जब उन्होंने पगड़ी पहनी तो मुझे लगा यार इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और फिर मैंने फैसला किया कि नहीं ये इसी तरह करते हैं। और उसके बाद उनके सारे दोस्त अहबाब जो थे फिल्म में, जो बाकी क्रिमिनल जिनको सुधारना है उन्हें, वो भी नेचुरली सब सरदार थे, तो ये पूरा माहौल जो है इस तरह का खूबसूरत बना कि, और उसके बाद माशाल्लाह इतना अच्छा टाइटल मिल गया जो मुझे लगता है एक सरदार कौम को बताने के लिए बिल्कुल राइट टाइटल था, सिंह इज किंग। और इसके लिए आपको सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ करे, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिटर्न के लिए सबसे बढ़िया प्रोमो बना दी, यानी सिंह इज किंग 2009 में जो डॉक्टर साहब वापस आए प्रधानमंत्री जो बने, सबने कहा कि यार ये पिक्चर यार डॉक्टर साहब ने बनवाई है सिंह इज किंग। नहीं, डॉक्टर साहब से तो खैर मुलाकात ही नहीं है, लेकिन हाँ वो माहौल वैसा चल रहा था जहाँ पे एक बार ये है कि हमारे क्रिकेट के कोई सरदार हैं, उन्होंने कुछ 5-6 विकेटें भी उसी वक्त ली थी, तो सारा वो माहौल ही चल रहा था, सिंह इज किंग, एंड माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत अच्छी लोगों को लगी, बहुत ज़्यादा प्यार मिला उस फिल्म का। पूरी फिल्म हमने ऑस्ट्रेलिया में शूट की थी, एंड आई पर्सनली फील कि अक्षय जी का दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स था वो। यस एब्सोल्युटली आई एग्री, एंड दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू, ए अक्षय कुमार, टू ओमपुरी साहब, ओह माय गॉड, यस, किरण खेर जी, किरण खेर जी ने बहुत प्यारा काम किया था, और उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में आपने शूट करने का, जो को वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेशन, मतलब व्हाई ऑस्ट्रेलिया?
मतलब देखो साहब, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये, सबसे बड़ी बात क्या होती है जब सरदारों के बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में जब बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो जहन में आती है, एक तो पंजाब हो गया, दूसरा कनाडा हो गया, ठीक है साहब जी। तो लॉजिकल कंक्लूजन वुड बी कि कनाडा में जाके शूट करोगे जी, ये ऑस्ट्रेलिया कहां से आ गया सर, ये जरा बताएं। नहीं, मैं एक्चुअली कनाडा ही शूट करना चाह रहा था, एंड आई वेंट देयर फॉर द लोकेशन एंड एवरीथिंग, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से वहाँ नहीं कर सके, एंड देन वहाँ से मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, आने के वक्त ऑस्ट्रेलिया भी हम लोग चले गए, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में कुछ वो जगहें मिल गई जो मेरे स्क्रिप्ट के लिए बहुत ज़रूरी थी, और मुझे लगा कि चलिए एक काम करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में बनाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरी शूटिंग हुई, सारे टेक्नीशियन वहीं के थे, और वो एक अजीब माहौल था, और मुझे लगा कि ठीक है कनाडा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से, हालांकि मैंने जितनी फिल्में बनाई हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में चले गए, बिकॉज हमने पूरी फिल्म वहां पे की थी गोल्ड कोस्ट में। बट व्हाट अ फिल्म यार, व्हाट अ फिल्म जी, द पर्सन वेरी टफ, पीपल से इज गोविंदा जी के साथ सैंडविच हो गया। गोविंदा जी किस प्रकार से, आई नो हाउ डिड यू मैनेज टू हैंडल, बिकॉज वी टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, दे से हैंडलिंग गोविंदा जी इज अ बिट टाइम पंक्चुअलिटी अलग-अलग तकलीफें जो सबको गोविंदा जी बहुत कमाल एक्टर हैं, मैंने उनके लिए कुछ 8-10 फिल्में लिखी हैं, स्वर्ग लिखी मैंने, शोला शबनम, आपकी राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, बहुत 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 फिल्में लिखी मैंने, सारी फिल्में बहुत खूबसूरत गई, और मैंने उनके साथ एक फिल्म भी बनाई, तो वो जो फिल्म बनाई है बहुत अच्छी फिल्म थी, किसी वजह से वो उस टाइम पे रिलीज बराबर नहीं हुई, वरना आज मुझे लोग देखते हैं वो फिल्म और हमेशा मुबारकबाद देते हैं, यानी भाई सैंडविच फिल्म बहुत अच्छी लगती है। ब्यूटीफुल सैंडविच इज वन थिंग, यस, लोग याद करते हैं उस फिल्म को जी, and you handled him very nicely, delicately. मेरे दोस्त हैं सर, मैंने इतनी 8-10 फिल्में लिखी थी उनकी, तो वो एक प्यार भी मुझे बहुत करते थे, तो मेरा अलग दोस्ती लेवल था, माहौल था वो उनके साथ। लेकिन एक चीज बताएं सर, कि अभी आगे चल करके कोई कोई ड्रीम बचा है कि मतलब मुझे अब ऐसी फिल्म करनी है कोई? सारे ही ड्रीम बचे हैं सर, अभी लगता है ड्रीम कोई पूरा हुआ ही नहीं है। नहीं मतलब जैसे होता है ना कि गुरुदत्त साहब ने कागज के फूल बनाई, बहुत सारी फिल्में जहन में है, और मुझे लगता है कि अभी इतना काम करने के बाद ऐसा फील होता है कि थोड़ा बहुत जो है कुछ समझ में आने लगा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने साथ दिया तो इससे बहुत अच्छी फिल्में, नहीं जैसे आसिफ साहब ने मुगले आज़म बनाई और उसके बाद लव एंड गॉड बनी, लेकिन वो बन नहीं पाई अच्छी तरीके से, और इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप कुछ ऐसा कोई हिस्टोरिकल बनाने की कभी जहन में आया? नहीं, आसिफ साहब के लिए मुझे अगर 10वीं जन्म लेने पड़ेंगे तो मुगले आजम मुझसे तो नहीं बन सकती, नहीं और किसी से बन सकती है, वो बहुत ही अजीम डायरेक्टर थे। ये वो फिल्म है जो शायद मैंने 300 से 400 बार देखी होगी, और जब जब मैं देखता हूँ उससे 2-3 दिन काम ही नहीं होता, ये सोचकर कि यार इस लेवल पर ये काम कर गए हैं, और हम अभी भी कितने सतही लेवल पर काम कर रहे हैं। वो बहुत अजीम डायरेक्टर थे, मेरी नज़र में बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और उतना तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने फिल्में बनाई हैं से लोगों को खुशी मिलती है, उसके अलावा भी कुछ जहन में चीजें हैं, वो मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। तो बजमी साहब, एक तो के आसिफ साहब की आपने बड़ी तारीफ करी, सारी दुनिया ही करती है, हम सब लोग दीवाने हैं आसिफ साहब के, राज कपूर साहब दूसरे हो गए, उसके बारे में बात करी आपने, उसके अलावा कोई और किसी के बारे में आप जरा? सर उसके अलावा महबूब खान साहब की बहुत फिल्में देखी हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उसके अलावा अपने काफ़ी लोग हैं जिनके काम से मैं बहुत इंस्पायर रहा हूं, और यहां तक कि देखिए अभी मैंने फिरोज खान साहब के साथ काम किया था ये फिल्म के अंदर वेलकम में, अगर मैं उतना उनका बड़ा फ़ैन नहीं होता और इतनी उनकी फिल्में मैंने जो उन्होंने बनाई है देखी नहीं होती तो शायद बहुत मुश्किल होता। इसलिए जिस दिन मेरी मुलाकात हुई मैंने उनको बताया कि उनकी कौन सी फिल्म में क्या डायलॉग थे, वो शौक कि अनीस यार इतने साल हो गए उस फिल्मों के डायलॉग तक याद है तुम्हें, मैंने बोला कि हाँ मेरी याददाश्त थोड़ी मजबूत है फिल्मों का ताल्लुक से, और मैं जब फिल्में देखता हूँ तो मुझे डायलॉग सीन याद है। सो व्हिच फिल्म ऑफ फिरोज खान डिड यू रियली लाइक? सर कुर्बानी और अपराध धर्म, दैट वाज अ ग्रेट मूवी, और मुझे लगता है मुमताज जी को सबसे पहले जिस तरीके से फिरोज खान साहब ने पेश किया, क्योंकि तब तक मुमताज जी की जो इमेज थी वो टोटली डिफरेंट थी, महमूद साहब के साथ साइड रोल करना, ये करना, वो करना, दैट आई थिंक वाज अ फर्स्ट लीडिंग रोल, उसके बाद राजेश खन्ना साहब के साथ वहीं, लेकिन अपराध वाज व्हाट अ मूवी, और पहली बार ग्रैंड प्री देखने को मिली बॉलीवुड स्क्रीन के ऊपर,
यू नो मोटर रेसिंग पहली बार देखने को मिली अपराध में. जी जी इट वाज फैंटास्टिक. नो यू टॉक्ड अबाउट मेमोरेबल डायलॉग्स. आपने कहा कि फिरोज शाह साहब के डायलॉग्स आप याद है, आपने उनको सुनाया है. ये तो अभी व्हिच द बॉलीवुड में सबसे ब्यूटीफुल डायलॉग्स आपको कौन सा मेमोरेबल लगते हैं? बॉलीवुड में बहुत सारे मुगले आजम के डायलॉग, मुगले आजम से खूबसूरत डायलॉग मुझे नहीं लगता है कि कभी उससे ज़्यादा मुकाबले में दोबारा लिखे गए हों. उनका हर फिल्म का हर डायलॉग, और जो सलीम जावेद साहब ने काम किया है, चाहे वो दीवार हो, त्रिशूल हो, शोले हो, आप मुगले आजम को तो इंस्पायरिंग सुनाएंगे हम लोग जो आपको अच्छा लगता है, बिकॉज यू नो यू गॉट पोएटिक सेंस. सलीम जावेद साहब ने कुछ ऐसे डायलॉग लिखे हैं जो बहुत ही छोटे एक एक वर्ड के हैं, लेकिन वो दिल को छू जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दीवार में वो डायलॉग था कि भाई मेरे पास आज सब कुछ है, क्या है तुम्हारे पास, और एक छोटा सा वर्ड वो इंसान कहता है कि मेरे पास माँ है. तो अभी ये मेरे पास माँ है कोई बहुत बड़ा डायलॉग नहीं है, लेकिन उस वक्त जब हम फिल्म देख रहे होते हैं और आज सुन रहे होते हैं तो वो पूरा कुछ अजीब ही असर करता है. और From Mughal-e Azam, आप कुछ Mughal-e Azam का जिक्र कर रहे थे. Would like to know which is the best dialogue that you like from there. Mughal-e Azam. Mughal-e Azam का तो सर पहला फिल्म का फ्रेम जो शुरू होता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, वहीं से सारे डायलॉग शुरू होते हैं. और उस फिल्म के तो न जाने कितने डायलॉग, चाहे वो पृथ्वीराज जी के हों, दिलीप साहब के हों, कि अनारकली मेरे सामने कैद कर ली गई और मैं देखता रहा. बोले और तुम कर भी क्या सकते हो? बोले हाँ, एक अजीम शान शहनशाह के सामने एक बेबस इंसान कर भी क्या सकता है, लेकिन जिल्ला इलाही आज आपको आपके जुल्म की और मुझे अपने जब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी. तो बहुत लाजवाब डायलॉग थे फिल्म. क्या बात, क्या बात. और सर चार चार राइटर थे फिल्म के, अगर आपको याद हो तो चार के पांच राइटर थे उस फिल्म में. जी पांच राइटर थे. हाँ, पांच राइटर थे. कमाल अमरोही साहब थे, कमाल अमरोही साहब थे, वजाहत मिर्जा साहब थे, अमान साहब थे. और ये जो बिगनिंग में आवाज है वो अमान साहब की आवाज है, मैं हिंदुस्तान हूँ. तो बहुत अजीम, बहुत बड़े बड़े, उस जमाने में उन्हें पंडित कहा जाता था. राइटरों को इतने पंडित इसलिए कहा जाता था कि इतने पढ़े लिखे होते थे, वो इतने पढ़े लिखे, इतने माशाल्लाह बहुत जहीन लोग थे. और हमारे आसिफ साहब जो है उनका मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस फिल्म वो फिल्म को जितना वो समझते थे, वो बड़ा मुश्किल काम था कि ऐसे पंडितों के साथ बैठ के उन्हें ये बताना कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है. आई थिंक ही वाज अ ग्रेट डायरेक्टर, जबरदस्त. और वो खान साहब आमिर खान को लही दे करके आना और उनसे गवाना, मतलब दैट वाज अ कू. के वो जो पहले जो जब प्यार किया तो डरना क्या, उसके पहले जो वो आलाप गाते हैं ना, मतलब जी 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 जी, वो तो मना कर दिया था उन्होंने. वो पूना गए, उनके घर में गए, उनको पैसे दिए, उनको कहा भाई कितना. तो उनके साहबजादे जो हैं शायद उनको जानते होंगे आप, आपने उसने उसने बाद में वो संजय खान का जो सीरियल था, क्या है वो, टीपू सुल्तान, सोड ऑफ टीपू सुल्तान, उसमें ही एक्टेड इन दैट ऑल्सो. तो ही प्लेड द रोल ऑफ हैदर अली एज फार एज आई नो. तो उनका के सामने उन्होंने कहा भाई, तो उनका जान करके खान साहब ने कहा कि मैं 50,000 रुपये लूंगा, ये रखो लेके गए थे साथ में. तो मतलब लुक एट द डेडिकेशन ऑफ द मैन, आई मीन आई कांट इवन इमेजिन. आसिफ साहब जो है वो फकीर थे, फकीर, और उनको जो है सिर्फ फिल्म बनानी थी. वो फिल्म को जीते थे और फिल्म के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, वो उनका उस लेवल का पैशन था. यू नो एज अ राइटर बाजवी साहब, एज अ राइटर जो आपके अंदर का क्रिएटिव अर्ज जो बाहर निकलता है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग, व्हाट इज, व्हाट यू बिलीव इज अ वर्क, इट कुड बी दैट इट कुड नॉट बी अ सक्सेस, बट यू सेड दिस वाज समथिंग दैट आई लव्ड राइटिंग फॉर. बहुत मुझे लगता है कि मेरा, मुझे ना लोग अगर खुश हों, लोग हंसें और जिंदगी, और उनकी इतनी दुश्वारियों में लोगों की जिंदगी चल रही हो, उसके लिए मैं दो लम्हे भी उन्हें खुशी दे सकूं, तो मैं जब भी कुछ कॉमेडी लिखता हूं तो मुझे बहुत ज़ाती तौर पर खुशी होती है. You love it, and which is the best one that you think that creative urge आपका पूरा उसमें you know शामिल हो गया उसमें? Lot of films are there. Welcome is one of them, and No Entry. मैंने एक फिल्म लिखी थी गोविंदा और चंकी पांडे की आंखें, वो लाल दुपट्टे वाली, मेरा नाम तो बता. दैट फिल्म वॉज वेरी ब्यूटिफुल. देन राजा बाबू वॉज वेरी नाइस. दीवाना मस्ताना एक अजीब वियर्ड फिल्म थी. तो बहुत सारी फिल्मों से मैं ताल्लुक मेरा रहा है और कुछ ऐसी फिल्में लिखी हैं जिसे देख के आज मुझे भी खुशी होती है कि नहीं भाई, ये लोगों को हंसाने का काम किया है मैंने. जो काफ़ी जो है, मुझे लगता है आजकल ये जो काम है ये एक सोशल सर्विस की तरह एक सवाब है, एंड वो मैं कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ वो. तो अनीस बज़मी साहब बॉलीवुड में जी, ये मुझे नाम पसंद, मतलब मुझे नाम पसंद नहीं है बॉलीवुड, हम क्यों बॉलीवुड बुलाते हैं मुझे मालूम नहीं जी. लेकिन अब चढ़ गया तो चढ़ गया, अब क्या करें. तो आपको कोई कॉमेडी फिल्म पसंद है बॉलीवुड की?
मुझे बहुत सारी फिल्में पसंद है, मुझे अंदाज अपना अपना काफी पसंद है, मुझे पड़ोसन बहुत पसंद है। अरे काफी क्या बात है, पड़ोसन पुरानी वाली। हाँ मुझे खट्टा मीठा बहुत पसंद है जी। महमूद साहब वाली पड़ोसन, पड़ोसन महमूद साहब, सुनील साहब, कायरा बानू जी जी। एंड मुझे खट्टा मीठा फिल्म बहुत पसंद है, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने काफी फिल्में बनाई हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और बहुत चुपके 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 एंड बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। व्हाट अबाउट किशोर कुमार, वो चलती का नाम गाड़ी वगैरह, और वो बहुत ही कमाल होते थे। किशोर साहब की जो कॉमेडी की टाइमिंग होती थी, जिस तरह वो काम करते थे, जिस तरह एक्टर थे, मुझे लगता है उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बहुत उम्दा काम किया जी। जबरदस्त। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, बिकॉज व्हाई आई मेंशन चलती का नाम गाड़ी, उसमें मधुबाला जी थी, तो अब वो कॉमेडी रोल कर रही हैं, उसमें हंस भी रही हैं, हंसा भी रही हैं, तो देवानंद साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो देवानंद साहब बोल रहे थे कि मधुबाला जी के साथ एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो हंसना बंद नहीं करती थी, कह रहे कि भाई शूट हो रहा है, सीन हो रहा है, सीरियस सीन भी है, तो उनको उनकी हंसी नहीं रुकती थी। अब ही सेड आई हैड टू आस्क, डू आई लुक फनी टू यू, कि मैं तुम्हें जोकर लगता हूँ क्या, क्यों? वो है अभी यूट्यूब के ऊपर भी वो इंटरव्यू है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है सर, आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं एंड दोज गाइज आर लाफिंग, जैसे कि मुझे अब पता नहीं ये असली है कि नहीं, कि सिंह इज किंग में ऐसे 2-3 बार हुआ है कि डायलॉग ही इतने ज्यादा फनी थे कि लोगों को सीरियस करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ा, इज दैट करेक्ट? या सिंह इज किंग में ऐसा हुआ है, अनिल साहब के साथ काफी फिल्मों में ऐसा हुआ है, नो एंट्री में हुआ है, वेलकम में हुआ है, और वो एक क्या होता है कि जब एक माहौल बनता है कि 10-15-20 लोग हंस रहे हैं एक दूसरे को देखकर, उसके बाद जब हम कहते हैं कि अरे अभी सीरियस यार अभी काम करते हैं, और जब सीरियस होने की कोशिश करते हैं तो भी कुछ अजीब सा मुंह बनता है और लोगों को हंसी आती है, एंड सब सीरियस हो जाते हैं, और एक पॉइंट पे एक इंसान जब हंसने लग जाता है तो बाकी सब हंसते हैं, तो वो एक माहौल होता है। एंड हमने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मरतबा ये जो है कॉमेडी फिल्मों में ये सिलसिला रहा है कि भाई कभी कोई गलती हो जाती तो उसमें कि कुछ हंसी आती है, तो ऐसे बहुत हंसे रहे हैं, बहुत हंसे। तो हाउ डिड यू डायरेक्ट कैटरीना कैफ इन दैट फिल्म सिंग इज किंग में, क्योंकि कैटरीना जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका एक्सप्रेशन वही रहता है, सो नहीं नहीं फॉर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं, मैंने जैसे दूसरी हीरोइन को डायरेक्ट किया वैसे ही किया कैटरीना को। कैटरीना बहुत हार्डवर्किंग लड़की थी एंड बहुत ही खूबसूरत दिखती थी स्क्रीन पे, मैं जब भी कैमरे में देखता था मुझे लगता था यार ये कितनी खूबसूरत इंसान है ये। एंड आप देखिए दोनों फिल्मों में उसने बहुत अच्छा काम किया, सिंग इज किंग में तो शी वॉज वेरी वेरी नाइस एंड लॉट ऑफ पीपल लव्ड हर इन दैट फिल्म, एंड वेलकम में भी इट वॉज अ लव स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग कि भाई और उसी की वजह से ये जंग हो रही है लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छा काम किया एंड बहुत मेहनती इंसान है और अच्छा काम करने लगी थी वो। जबरदस्त। बस भी साहब, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आपको तो देख के इंस्पायर होते हैं, आपका लाइफ से इंस्पायर होते हैं, तो लाइफ इज नेवर अ बेड ऑफ रोज़ेस, तो आप कह सकते हो कि यू नो हर चीज इज नॉट अ सक्सेस, और फेलियर्स को कैसे कोप करना चाहिए, आपके लाइफ में भी कभी-कभी आया होगा फेलियर्स, तो कैसे आपने कोप किया, कौन से फिल्म्स डाउन हुए, थोड़ा आप उसमें बारे में बात करेंगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित होगा। मुझे लगता है कि फेलियर ऐसा है कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की ज़िंदगी में ना आए, लेकिन फेलियर को बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए, उस फेलियर से इंसान को सीखने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि मेरा मानना है कि कामयाबी जितना नहीं सिखा सकती है उतना आपकी नाकामी आपको सिखा सकती है, आप उससे सीखिए और अपने ऊपर जो आपका विश्वास है उसमें बिल्कुल कमी मत लाइए। ये अगर आप मेहनत जितनी कर रहे हैं उससे डे आफ्टर नाकामी के एंड आप जो है वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। मुझे नहीं लगता है कि कामयाबी सिर्फ जो होती है वही इंसान को सब कुछ सिखाती है। आपके लाइफ से कुछ ऐसे सीखे लोग कि ये फिल्म्स भले यू नो यू थॉट इट ठीक नहीं होता, लोग ने नेगेट कर दिया था, लोग ने राइट ऑफ कर दिया था, और मगर उस कैन यू रिलेट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम योर लाइफ? या 2-3 फिल्म इस तरह की थी, सैंडविच इसमें से एक थी, उसके अलावा नेगेट जो करना है वो तो जो वेलकम की फिल्म बनाई थी उसको इनिशियली लोगों ने कहा था कि भाई ये फिल्म के अंदर एक ही कमी है कि हमें हंसी नहीं आती, तो क्या किया जा सकता उसका, लेकिन बाद में जो है जब फिल्म के ट्रायल्स हुए तो किसी को पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने मेरे प्रोड्यूसर साहब से कहा भी था कि भाई देखिए फिल्म तो यही बनाई है मैंने, अब मैं जाके थिएटर में लोगों को गुदगुदी तो नहीं कर पाऊंगा, और यही फिल्म है और
मुझे लगता है कि मैंने अच्छी फिल्म बनाई है और इसके मैथमेटिक एकदम सही है, तो फिर देखते हैं। और उसके बाद जो फिल्म लगी, तो लोगों को आज तक लोग फिल्म देख रहे हैं, तो कई मरतबा जो है इस तरह के हादसात होते हैं। और मुझे एक दो फिल्में ऐसी बनाई हैं जो लोगों के उम्मीदों पर उतनी पूरी नहीं होती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब फिल्म नहीं चलती है तो मैं उसे ऑडियंस का वर्डिक्ट मानता हूँ। और मुझे लगता है कि ऑडियंस से ज़्यादा अच्छे जजेस कोई नहीं होते। मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कमी रह गई मुझमें, और फिर उसको कमी को दूर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सर आपको तो माशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलती होगी, क्योंकि आपने अपनी जो फेवरेट फिल्म बताई है मुगले आलम, वो भी नहीं चली थी, आपको अगर याद होगा। जी हाँ, दो तीन हफ्ते वो नहीं चली, वो भी नहीं चली थी दो हफ्ते के लिए, और उसके बाद जो जोर पकड़ा आज तक हाउसफुल चलती है जब रिलीज होती है। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे बहुत है, लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट राज कपूर अ लिटिल बिट। जी, राज कपूर जी के बारे में ये कहा जाता है, जैसे रणधीर कपूर साहब बोलते हैं, बाकी साहब बोलते हैं, जैसे रणधीर कपूर साहब बोलते हैं कि माय फादर वाज अ क्रिएटिव जीनियस बट ही वाज अ वेरी बैड बिजनेसमैन, बिजनेस नहीं आता था उनको, राज कपूर साहब को। तो क्या आपने वो सीख लिया दैट यू शुड ऑल्सो बिकम अ वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर एंड ऑल्सो अ गुड बिजनेसमैन? मुझे लगता है कि जो बहुत अच्छे डायरेक्टर होते हैं वो बहुत ग्रेट बिजनेस में शायद नहीं बन सकते, इसलिए कि ये दो अलग चीज़ें हैं। और जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हों और बिजनेस भी सीख लें तो उन्हें तो मैं सलूट करता हूँ कि बहुत ही कमाल है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा जा सकता। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि मैं भी हिसाब किताब में बहुत कमज़ोर हूँ, एंड राज साहब जब फिल्म बनाते थे तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भाई ये कितने में बनेगी, कितने में बिकेगी। मुझे लगता है वो एक तराजू लेके फिल्म नहीं बनाते थे कि भाई इतना फ़ायदा होना चाहिए, इतना नुकसान होना चाहिए। उन्होंने अपना हर चीज़ उस फिल्म पे लगाई और बनाई है, और फिर जो है मुझे लगता है कि ही वॉज वेरी क्रिएटिव पर्सन, और वो कभी भी बजट को दिमाग में रख कर या हिसाब किताब और तोल ताल कर फिल्म नहीं बना सकते थे। जी दुरुस्त बात है। तो सर चलते चलते आप ये भी बता दें, ऐसे कौन से हीरो हैं जिनके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया और आप काम करना चाहते हैं? व्हाट इज योर काफी लोग कि ये बंदा मेरे साथ काम क्यों नहीं करवा है, ये बताएं। नहीं, मौका नहीं मिला, लेकिन जिंदगी में आगे बहुत फिल्में बनानी और इंशाल्लाह सबके साथ काम करना है और करेंगे। उनमें से कई लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, हमारे कुछ नए जो एक्टर्स हैं आई फील दे आर वेरी गुड, वरुण धवन है, आपके आयुष्मान है, और अपना राजकुमार राव है, दे आर आई थिंक फेबुलस एक्टर्स, एंड आई एम गोइंग टू वर्क विद ऑल ऑफ देम वेरी सून इंशाल्लाह। शाहरुख के बारे में कुछ कहेंगे? एक सेकंड, शाहरुख के बारे में कुछ बताएंगे सर? शाहरुख खान के शाहरुख भाई से तो बड़ा अच्छी दोस्ती आ रही है, बहुत पहले से उन्हें जानता हूँ मैं, जब मिलते हैं बहुत अच्छी बातें होती हैं, एंड सुपरस्टार हैं वो, एंड पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती है, उसी तरह सब जैसे लोग पसंद करते हैं, जितने फ़ैन हैं उसी तरह मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। और जब भी मिलते हैं वो बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से मिलते हैं। मुझे लगता है कि वो आपसे अगर दो मिनट भी मिलेंगे तो एक पर्सनल कनेक्शन बना देते हैं, अल्लाह ने कुछ ऐसी खूबी दी उन्हें। So here is an example, perfect example of a creative genius and a brilliant businessman, both rolled into one. That is Shahrukh Khan. अगर आप देखें तो जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा आपको कि वो बहुत ही अलग किस्म की जीनियस होती है जो दो चीज़ों को लेके साथ चलते हैं, एंड मैं बहुत मतलब इम्प्रेस हूँ उनसे, इन दोनों बातों को जो लेके चलें वो एक। लेकिन आपको मैं बताऊं, जैसे फिल्में जब बनाते हैं वो, तो वो भी मुझे लगता है कि जिस डूब कर जिस तरह फिल्में बनाती, आई एम श्योर कि उनकी फिल्में जो हैं बहुत नपी तुले पैसों में नहीं बनती। वो जब फिल्म बनाते हैं तो बिल्कुल दिल खोल के बनाते हैं, मैंने जितना सुना भी है, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने सुना है कि वो जिस तरह फिल्म बनाते हैं मतलब कोई कमी नहीं आते हैं, कभी वो दिन नहीं गिनते हैं कि इतने दिन में बनानी है, जैसे बनानी है जो बनानी है, बहुत फ्रीडम देते हैं अपने डायरेक्टर्स को। अब आप देखिए जो जवान फिल्म बनाई है उसमें कितना खर्चा किया है उन्होंने, कितना खर्चा किया, एंड अगर ये शायद शाहरुख खान नहीं बना रहे होते, कोई और बना रहे होते, तो शायद वो उस रूप में फिल्म नहीं बन पाती, क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर फील कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, जान सकता हूँ कि कितना लेवल पर उन्होंने खर्चा किया होगा, कितने दिन न जाने उन्हें शूट किया होगा। तो और जो नए बच्चों का आपने नाम लिया, अभी नए लड़कों का, सॉरी बच्चे तो नहीं बोलना चाहिए उनको, माशाल्लाह बहुत बड़े, शायद बुरा मान जाएं, बहुत बहुत बड़े हो गए हैं सब 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 के सब, जैसे वरुण धवन है, अपने आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव है, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? क्योंकि पहले मैं क्यों आपको जान से पूछ रहा हूँ, प्रदीप भाई और मैं ये बार बार बात करते हैं
कि यार पहले 15-20 साल पहले इनको तो एक्स्ट्रा में भी शायद मतलब रोल नहीं मिलता। अब इनकी शक्लें देखो, बागी साहब देखो, डील डॉल देखो, किसी का कोई सिक्स पैक नहीं है, कोई चॉकलेट हीरो भी नहीं लगता है, और आज की तारीख में देखिए क्या हिट हो रही है फिल्में। अब ये क्या फिनोमिनन है सर, ये जरा बताएं। मुझे लगता है दे आर गुड एक्टर्स एंड जरूरी नहीं है कि एक्टर जो है वो सिक्स पैक और बहुत जबरदस्त बॉडी लेके ही चले। रोल के हिसाब से मुझे लगता है कि वो जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आमिर खान जो है उनकी कभी भी उस तरह की बॉडी नहीं रही, लेकिन जब उन्होंने फिल्म की थी गजनी, उसमें जरूरत थी तो उन्होंने जो मेहनत की वो कमाल की। आज इसी का एक मिसाल है हमारा कार्तिक। कार्तिक ने ऐसी बहुत बॉडी नहीं थी, लेकिन जो 2 साल इतनी एक्सेसिव उसने ट्रेनिंग की फॉर दी चंदू चैंपियन, तो मुझे लगता है वो सारे एक्टर्स ये इस तरह के हैं जो अपने रोल में डूबने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वो जिस तरह आप चाहें कि स्क्रीन पर किस तरह नजर आना है वो अपने आप को ढाल सकते हैं। तो कार्तिक आर्यन जब कह रहे थे कार्तिक भूल भुलैया 2 वाज यू नो मेमोरेबल सब लोग ना, हाउ भूल भुलैया 3 किस प्रकार से आप सरप्राइज करने वाले आपके व्यूअर्स को, आपके फैंस को, चाहने वालों को? मुझे लगता है कि जिस तरह फिल्म बनाई है दिस इज अ बेटर एंड बिगर फिल्म देन पार्ट 2, एंड लोगों को पार्ट 2 से भी ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा हमें प्यार मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद है हम लोगों की। और इस फिल्म के अंदर अच्छी कॉमेडी है, बहुत खूबसूरत अजीब तरीके से कुछ हॉरर है, बहुत ही ईरी एटमॉस्फेयर है, गुड म्यूज़िक है, बहुत बड़े सेट्स हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छे एक्टर्स हैं, एंड काफ़ी चौंकाने वाली बातें हैं। तो जब फिल्म आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि एक बेहतरीन एक खूबसूरत फिल्म देखी है और खुशी होगी आप लोगों को। जबरदस्त। तो सर चलते चलते ये भी बता दें कि दी ट्रेंड ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स नाउ गोइंग टू हॉलीवुड, अब जैसे तब्बू जी भी हैं वो भी एक्ट कर रही हैं हॉलीवुड की फिल्म में, प्रियंका चोपड़ा तो हैं, दीपिका पाडुकोण एक्ट कर चुकी हैं, कुछ कहेंगे उसके बारे में जो अभी जो नया ट्रेंड आया है? मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी जो आर्टिस्ट होता है उसका तो कोई ऐसा सरहद के साथ नहीं होता कि मैं इसी सरहद में काम करूंगा, वो अपने आप को जितना दूर ले जा सकता है और जितना फैल सकता है और पूरे वर्ल्ड में काम करे, क्यों नहीं। तो आज जिस तरह इन लोगों ने काम किया है वो बिल्कुल तारीफ के हकदार है। इरफान भाई ने कितना अच्छा अच्छा काम किया है फॉरेन में, और उनकी पॉपुलरिटी लेवल जबरदस्त। इरफान ओमपुरी, इरफान क्या जी, ओमपुरी साहब जबरदस्त। आज आजकल दिलजीत दोसांझ जो है वो जब वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं तो आप देखिए कि किस लेवल पे लोगों ने उन्हें रिसीव किया है, कितना प्यार दिया है। नाम जो लिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम डाइवर्टिंग अ लिटिल बिट, ये आपने नाम लिया इसलिए पूछ रहा हूँ। दिलजीत दोसांझ साहब के बारे में जो मुझे बड़ी माशाल्लाह इतनी जबरदस्त चीज लगी, वो अपनी अपीयरेंस चेंज नहीं करते, वो कहता मैं तो सरदार ही रहूंगा साहब, टर्बन ही पहनूंगा और यही रोल करूंगा, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? मुझे लगता है कि वो उनका बिलीव है, और क्या जरूरत है जब लोग उन्हें इसी तरह पसंद कर रहे हैं और जो इस तरह की फिल्में उनको मिल रही है, लोग उनका काम पसंद कर रहे हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, खूबसूरत लगते हैं, मुझे तो सरदार लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो जो पगड़ी पहनते हैं, आई फील वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप सर बहुत बहुत हमारे बारे में हमारी तारीफ करी, इसके लिए बहुत बहुत। अरे नहीं सर, बहुत शुक्रिया, माय प्लेजर टॉकिंग सर। लेकिन सर ये बताएं प्रदीप जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या ये बताएं, क्योंकि मैंने हॉलीवुड की बात करी, आपका दिल नहीं करता कोई इंटरनेशनल फिल्म बनाने का? मतलब कि विदू विनोद चोपड़ा साहब ने भी एक फिल्म डायरेक्ट करी थी, 2 Brothers, आई थिंक दैट वाज द फिल्म, तो आपका दिल नहीं करता? क्योंकि आफ्टर ऑल आवर डियर फ्रेंड मिस्टर शशि कपूर, ही स्टार्टेड दिस ट्रेंड, he was the first Bollywood hero in Hollywood, तो आपका दिल नहीं करता कि कोई बहुत बड़ी Hollywood की पिक्चर भी बनाई जाए सर? नहीं, मैं आपको ईमानदार से बताऊं, मैंने आज तक इस बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे लगता है कि मैं जितना इंजॉय इस जबान को करता हूं, मेरी हिंदी उर्दू, और मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत इंजॉय करता हूं। अब कल के बारे में मुझे नहीं पता, कल अगर ऐसा कुछ शौक हुआ तो वो भी मैं जरूर कोशिश करूंगा। सर गुजराती कॉमेडी बहुत जबरदस्त होती है जी, गुजराती कॉमेडी बहुत जबरदस्त होती है, तो उसका भी टच आप डालते हैं अपनी पिक्चर में? मैं गुजरात को बिलोंग करता हूँ, मेरी पैदाइश गुजरात में हुई है, और मैं गुजराती प्लेस देखता हूँ, बड़ा प्यारा काम करते हैं, और उसकी कॉमेडी तो कुछ अजीब लेवल की होती है, तो मैं जब जब देखता हूँ अपना स्टेज पर सारे प्रोग्राम देखता हूँ,
और कहीं ना कहीं नेचुरली जो इंसान देखता है, जिन लोगों से मिलता है, वो उनके कहीं ना कहीं जहन में रहता है। हम जो राइटर हैं थोड़ा ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं बनिस्बत एक आम इंसान के, तो जब लोगों से मिलते हैं, जो लोगों का काम देखते हैं, तो कहीं जहन के किसी कोने के अंदर वो चीज़ें रहती हैं, और जब वक्त ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने आप बाहर निकल के आ जाती है। You want to end with, you know, जैसे आपने कहा राज कपूर साहब के किसी के मुस्कुराहटों पे, तो वो आपके लाइफ के दूसरे एक मैसेज टू द यूथ, जैसे बोलते हैं कि साइन ऑफ विद अ ब्यूटीफुल शायरी, बहुत चीज जो आपके दिल में बसा, यू नो समथिंग लाइक दैट, मैसेज। मैसेज बस मैं मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया में जो आज प्रॉब्लम पूरी दुनिया में चल रही है, वो जस्ट बिकॉज इसलिए कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और नफरतों का दौर चल रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं है कि आप खुद भी अपने आप से प्यार करें और पूरी दुनिया से प्यार करें। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया में किसी चीज की जरूरत है तो वो सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है। राइट, एंड विजिता जस्ट सेंड मी अ क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज फ्रॉम विजिता। वो पूछ रही है कि भाई सर आपको आवाज आ रही है? I can't hear. Now I can hear you. Okay. तो वो हमारी जो बॉलीवुड जो देखती है वेदिता, जिन्होंने आपसे बात भी करी होगी शो के लिए, जी जी, तो उन्होंने पूछा कि भाई वो सिंघम क्लैश कर रही है आपकी पिक्चर की रिलीज के साथ, तो जी हाँ, तो दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी या एक दूसरे को काटेंगी? मेरी दुआ है कि दोनों फिल्में चलें, इसलिए उस फिल्म से जो लोग हैं, चाहे वो अजय हों, अक्षय हों, रोहित हो, दे आर माय फ्रेंड्स, और मैं दुआ करता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं कि दोनों अच्छी फिल्में हुए हैं, दोनों बड़ी फिल्में हैं, और दिवाली में पास्ट में भी दो दो फिल्में जो है वो चली हैं, तो मेरी यही दुआ है कि दोनों फिल्में चलें और लोग दोनों फिल्में देखें। माशाल्लाह। हनीफ बज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, एंड प्रे दैट योर फिल्म इज अ मॉन्स्टर हिट। After all, it's a horror film. There are monsters in the film. So, it should be a monster hit. And whenever you have the time, do stop by at our studio. Please have a cup of tea or coffee or whatever you like with us. It would be Bahut shukriya sir. Bahut bahut shukriya. Bahut shukriya. Bahut shukriya sir. Thank you so much. And God bless you. And all the best for your film. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Boy, that was nice. Fantastic. Really nice. It was a nice, nice... And one of the most humble gentlemen. Very nice. Very modest. And no false modesty over there. He knows what he is. You know, he's, yes. he knows he's a brilliant director. He knows he has tasted so much of success. But in spite of that, there's no arrogance about him. He knows the boundaries. He knows what he's talking. He knows the life that is. He knows what's the present, the future, and the past. And his analyzing of things. That comedy is the best way you can inspire lives. And Lekin, most of his films have been like that. Meri aur aapki kitni martaba baat hui hai? Yes, yes. Ready picture ke baare mein. Exactly. Kitni baar baat hui hai? Bilkul. Are yaar, aisi picture nahi dekhi kabhi? Yes, yes. When your logo just put ready on. Any of these films, actually, jitne bhi inke picture hai. Selfish ho. Yeah. Sing is King. Yes, bilkul. Aap usko rakhiye and then, you know, you're in a different zone. Then you go to a different zone. You're happy about life. You know, you find yourself laughing. You find yourself smiling, amusing yourself. वो जो लोग वो फार्मेसी से जाकर के वो अपर्स वगैरह वगैरह लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप. Exactly. ये अनीस बज़मी साहब की पिक्चर देख लीजिए बस. Yes, yes. First class. आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. All your depression, everything will just go away. जिनको डिप्रेशन है, आप अनीस बज़मी साहब की नो एंट्री देख लें, अनीस बज़मी साहब की वेलकम देख लें, सिंग इज किंग देख लें, रेडी देख लें, या वो जो आपने नाम दिया था अभी उदय शेट्टी, वो कौन सी पिक्चर है सर? यस नाना वाडेकर साहब, बिल्कुल बिल्कुल, आई कॉल इट. तो यस यस यस, वेलकम वेलकम वेलकम, वो देख लीजिए बस, उसके बाद आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है.